टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त तनीश। फ्रेंड, जियो का जियो फोन लॉन्च हो चुका है और कुछ दिनों में आने भी वाला है, लेकिन यूजर के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका जवाब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि ये फोन कब से ओपन सेल के लिए आएगा, साथ साथ ये अगर हम रिफंड पाना चाहते हैं, इस फोन को अगर हम लिए रिफंड पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या निभाना पड़ेगा, क्या हमें हर महीने रिचार्ज करना पड़ेगा, अगर हम 3 महीने या 4 महीने रिचार्ज नहीं करते हैं तो क्या हमें वो रिफंड जो मिलने वाला था वो मिलेगा या नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं फ्रेंड्स, सभी का आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो दोस्तों, जियो फोन को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, सभी का आंसर इस क्वेश्चन, जो जो मैं सिलेक्ट करके रखा हूं अभी क्वेश्चन आंसर, उसमें से आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन अ पर्सन हु बायज जियो फोन गेट द रिफंड बिफोर 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड, मतलब 3 साल का जो बोला गया है, 3 साल के बाद आपको रिफंड, आपका पैसा मिल जाएगा। तो कोई अगर चाहता है कि 3 साल के पहले वो रिफंड ले ले तो वो ले पाएगा क्या? तो यहाँ पे जवाब है नहीं, वो नहीं ले सकता, 3 साल होने के बाद ही वो रिफंड ले पाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डज अ यूजर नीड टू रिचार्ज हिज जियो फोन रेगुलरली फॉर बींग एलिजिबल फॉर अ रिफंड। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें हमेशा, मतलब रेगुलर हमें रिचार्ज करना पड़ेगा जियो फोन को, अगर नहीं करेंगे तो क्या हम एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एलिजिबल रहना है रिफंड के लिए, अगर आपको रिफंड लेना है तो मतलब 3 महीने में कम से कम 1 महीने आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मतलब 90 दिनों में कम से कम 30 दिन के लिए, मतलब 1 महीने का रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं 90 दिनों तक, 90 दिनों के बाद आप रिचार्ज करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हेन विल जियो फोन गो ओपन सेल, ओपन सेल के लिए जियो फोन कब अवेलेबल होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जियो फोन जो है सितंबर के सेकेंड वीक से ओपन सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तब आप आराम से इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विल इट बी अवेलेबल इन ऑल द रिटेल स्टोर्स और ओनली इन सेलेक्ट फ्यू। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मतलब सभी स्टोर पे अवेलेबल होगा या फिर कुछ कुछ स्टोर पे अवेलेबल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी स्टोर पे अवेलेबल होगा, प्लस ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑल द टाइम ऑफ प्री बुकिंग डज वन नीड टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट। यस फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन जियो फोन यूजर ऑप्शन फॉर जियो प्राइम। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो है जियो प्राइम ऑलरेडी उसमें होगा, आपको जियो प्राइम बनने की जरूरत नहीं होगी, बस आप रिचार्ज कराते जाइए और अपना मजा उठाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल जियो फोन सपोर्ट। तो यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेज वो सपोर्ट करेगा, जिससे आप आराम से अपनी भाषा में अपने फोन को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज वॉइस असिस्टेंट जियोस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन और इज इट अ गूगल सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जियो टीम ने बनाया है खुद से, ये जो वॉइस असिस्टेंट वाला ऐप है वो खुद से जियो ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। विल जियो फोन सपोर्ट डुअल सिम। नहीं, अभी डुअल सिम सपोर्ट नहीं करता है, अभी सिंगल सिम वाला वारंटी ही आ रहा है, अभी डुअल सिम वाला आ सकता है फ्यूचर में इसका। तो उस टाइम देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको सिम वन जो है सिर्फ, मतलब जियो ही उसमें चलेगा, सिम वन में लॉक होगा उसके लिए, और जो मतलब दूसरा सिम है उसमें आप दूसरा ऑपरेटर का जो है सिम लगा सकते हैं, ऐसा खबर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कब आता है और कैसा आता है। जो भी हो, फिलहाल ये जो क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए उसका आंसर मैंने आपको दिया। तो आशा करता हूँ इन सभी क्वेश्चन में शायद आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। चलता हूँ फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।